सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 21 जिलों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे जिसमें बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर इन तमाम जिलों के नाम भी हैं। मॉर्निंग रेड नाम का अभियान चला रखा है इन्होंने। सुबह 2 बजे जाकर किसी के घर में घुस जा, सिड्डी लेकर ही आवे, परेशान करने का काम करे लग रहा, वीडियो बना कर ले जा और फिर उन्हें कहीं शामली कहीं झिझाना बुलावे और 1-1 लाख रुपए 10-10 हजार 20-20 हजार 50-50 हजार रुपए 10-15 रुपए बटले करके 1-1.5 लाख रोज का घर पड़ लग रहा। तो पूरा भ्रष्टाचार इस विभाग में चल रहा। तमाम सारे पुलिस विभाग है, इन पे जो बिजली का बकाया है, जो विधायक, सांसद, मंत्री, सरकार के लोग हैं, इन पे बिजली का जो बकाया है, सरकार इन पे क्यों नहीं वसूली कर रही? उल्टा मजदूर किसानों पे उनके ऊपर डबल डबल बिजली का बिल, एक तो इतना ज़्यादा महंगा है, दूसरा अलग अलग तरीके से पनिशमेंट लगाने का काम ये सरकार आज इस काम को कर रही है। और डीएम साहब और पूरी सरकार इनके माध्यम से सुन ले, इस स्मार्ट मीटर को, इस बिजली के निजी उपकरण को हम बर्दाश्त ना करें। जो बैटरी रिक्शा चालक है वे अपनी रिक्शा चार्ज नहीं करेंगे, उनका वो रोजगार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और भाई उसमें रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो बिजली नहीं आएगी, कभी भी बत्ती गुल हो सकती है। जहाँ किसान का खून भागना है वहाँ से पसीना भागना मजदूर, दिक्कत है किसी बात की। सबसे पहले तो बिजली के दाम बढ़ाए, पिछले 5 साल में 7 साल में बिजली के दाम 8 गुने बढ़ चुके, 800% की बढ़ोतरी हुई। क्या मैं झूठ कह रहा? जबकि किसान मजदूर की आमदनी में 1 नए पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई। ये मीटर ऐसे लगा दिएगा कि बिजली की रफ्तार तभी तेज भागे, उल्टे सीधे बिल निकल रहे। 1 कमरे 2 कमरे के घरों में 60-70 हजार रुपए के बिल आ रहे, ये सच्चाई है। 5 हजार 10 हजार 15 हजार के बिल तो आम बात है। सरकार घोषणा कर रही 21 जिलों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे जिसमें बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर इन तमाम जिलों के नाम भी हैं। स्मार्ट मीटर फोन की ढाल बताने रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज खत्म जो करे, फोन का डाटा खत्म नहीं हो जाता वो बिजली का रिचार्ज खत्म। बत्ती गोल मेहमान आए बैठे, अंधेरे उजाले में बैठे रहो, किसी का जाकत बीमार है बैठे रहो, हमारा 1 टाइम बहुत है, बिल जमा करवाने का 1 टाइम नहीं है, लेकिन इस समस्या से कोई परवाह नहीं। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुस्ते खाक है फानी, रहे 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 ना रहे। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती। क्या मामला है आज ये यहाँ जो इकट्ठा हो रहे किसान, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा है जी बिजली की परेशानी। बिजली की परेशानी इतनी बढ़ गई कि कनेक्शन ले स्मार्ट मीटर गैल पकड़ा लग रहे,
बड़ा बड़ा एस्टिमेट बना हुआ है केवल कनेक्शन का, खेत के का केवल केवल कनेक्शन, जिसमें ट्रांसफार्मर नहीं, खंबे नहीं, तार नहीं, कुछ नहीं, केबल भी अपना लगा है 55,280 रुपए का दे रहा है बिजली विभाग। स्मार्ट मीटर खेतों में भी लग रहा है, घर में भी लगाने की कोशिश कर रहा। हम 15 दिनों से 14 गाँव में हर रोज सुबह निकल जा, शाम तक गाँव के एक एक घर का लोगों से समस्या पूछे। लोग हमारे पास बिल लेकर आ रहे 40,000 का बिल जी, इसी मीटर से 300 रुपए का बिल निकलता था, 4800 का बिल जी, 3800 का बिल जी, मैं यहाँ रहता नहीं जी, लेकिन फिर भी मेरा जो है बिल लगातार बढ़ता जा लग रहा। हमने चौसाने पे और टिटोली बिजली घर पे भी जो है धरने में हम शामिल रहे, वहाँ SDO और JEE बुलाया गया और वो बता रहे कि यह केंद्र सरकार की योजना है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी को ठेके मिले हैं वो सब लगेंगे। मॉर्निंग रेड नाम का अभियान चला रखा है इन्होंने, सुबह 2 बजे जाकर किसी के घर में घुस जा, सिड्डी लेकर ही आवे, परेशान करने का काम करने लग रहा, वीडियो बना कर ले जा और फिर उन्हें कहीं सामली कहीं झिझाना बुलावे और 1-1 लाख रुपए 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये 10-15 बट ले करके 1-1.5 लाख रोज का घर पर लग रहा, तो पूरा भ्रष्टाचार इस विभाग में चल रहा। मजदूर अगर बिजली का इस्तेमाल कर रहा तो छापा लग रहा है, जो पूंजीपति है उन पर भी तो बकाया होगा बिजली। यही हालत है कि आज जो आप बात करेंगे, जो बिजली का निजीकरण किया जा रहा है जिसके खिलाफ आज आंदोलन है, कि सीधी सीधी बात है कि जो मजदूर है गाँव के उसके ऊपर तो छापा लगेगा, डबल जुर्माना लगेगा, लेकिन जो सरकारी विभाग है, जो शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है या तमाम सारे पुलिस विभाग है, इन पे जो बिजली का बकाया है, जो विधायक सांसद मंत्री सरकार के लोग हैं इन पे बिजली का जो बकाया है, सरकार इन पे क्यों नहीं वसूली कर रही, उल्टा मजदूर किसानों पे ही उनके ऊपर डबल बिजली का बिल, एक तो इतना ज़्यादा महंगा है, दूसरा अलग अलग तरीके से पनिशमेंट लगाने का काम ये सरकार आज इस काम को कर रही है। मैं बताना चाह रहा, मीडिया बंधु भी हैं यहाँ, आधा युवा भी हैं और हमारे किसान मजदूर बैठे और DM साहब और पूरी सरकार इनके माध्यम से सुन ले, इस स्मार्ट मीटर को, इस बिजली के निजीकरण को हम बर्दाश्त ना करें। बात ऐसी है जो ये अगर मीटर लग गए स्मार्ट मीटर, इससे गरीब मजदूर घना दुखी हो जाएगा, किसान तो होगा ही दुखी, गरीब मजदूर घना दुखी हो जाएगा। जो बैटरी रिक्शा चालक है वे अपनी रिक्शा चार्ज नहीं करेंगे, उनका वो रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और भाई उसमें रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो बिजली नहीं आएगी, कभी भी बत्ती गुल हो सकती है, घर में चारा नहीं काट सकते, पशुओं को चारा नहीं खिला सकते टाइम पे, तो यही बात है, बहुत नुकसान होगा अगर स्मार्ट मीटर लगेंगे तो मजदूर को और किसानों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान होगा। सिस्टम नंगा हो गया रे, हो गया रे। भगत सिंह जी सज पायो किते जाके सो गया रे रचंदर शेखर आजा तू आजादी से ही दिवा जा तू रचंदर शेखर आजा तू आजादी से ही दिवा जा तू ला इंकलाब के नारे शहीद आजम भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। तो मेरे भाइयों मेरे सच्चो आज किसान मरा लग रहा, कल को नंबर मजदूर का है और मैं मजदूर का बड़ा गोल चलना खेड़ी से है, हम कम से कम 10 भाई है मजदूर आ रहे हैं किसानों के साथ में साथ आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ किसान का खून भागना है वहाँ से पसीना भागा मजदूर, दिक्कत है ना किसी बात की। शहीद भगत सिंह हमारे, भगत सिंह हमारे।